हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज आमिर एंड यू आर वाचिंग पीसी टेक ज्ञान। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एमएस वर्ड में स्मार्ट आर्ट का यूज़ कैसा करते हैं और उसका वर्क क्या है। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आने वाले वीडियोस आप आसानी से देख सके। चलो शुरू करते आज की टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट बटन पर क्लिक करो। अगर वर्ड ओपन करना है तो इधर से ओपन कर सकते हैं या ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करो, देन सेलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इन दैट सेलेक्ट एमएस वर्ड। जस्ट मिनट, इसको मैक्सिमाइज कर ले रहा मैं। लास्ट वीडियो में हम क्या जाने थे, इंसर्ट में शेप्स के बारे में होंगे, पिक्चर्स के बारे में, क्लिप आर्ट्स के बारे में जाने थे ना। आज हम जानेंगे स्मार्ट आर्ट के बारे में। ओके, इंसर्ट में जाके फिर से पहले क्या कर, मैं पेज साइज सेट कर ले रहा हूँ। मैं पेज लोड में जाके पेज साइज A4 रख ले रहा हूँ मैं और ओरिएंटेशन लैंडस्केप में रख ले रहा हूँ मैं प्रोजेक्ट के हिसाब से। नेक्स्ट फिर इंसर्ट में आ गया मैं, शेप्स पे क्लिक कर रहा हूँ। इसमें देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के शेप्स है, देखो अपने को के लाइन शेप्स है, नहीं तो स्मार्ट आर्ट सर्कल टाइप में है, हेराजिक टाइप में है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में है। आपको जो पसंद है वो फॉर्मेट में आप ले सकते हैं। सर्कल टाइप यानी कि जैसे कि कोई सभी लाइफ साइकिल रहती ना उसके ऊपर बताने के से, हेराजिक यानी कि ऑप्शंस के उसके अंदर ट्री डायग्राम में लेने के से दिख रहा है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स के। अब तो मैं ये सिलेक्शन कर लिया मैं, सपोज इसके अंदर क्या कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मार्ट आर्ट को यूज़ करने का मेन मकसद ये है कि एक लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट फॉर्म में कैसा कन्वर्ट करे। चलो क्रिएट करते हैं मैं प्रोजेक्ट। अब हमारे कॉलेज का डाटा लिख रहा हूँ मैं, SADC लिखा फर्स्ट बॉक्स में। नेक्स्ट क्या लिख रहा हूँ, तेलुगु मीडियम इंग्लिश मीडियम बोल के लिख रहा हूँ। सपोज अब मैं कभी एक ऐड करना है उर्दू मीडियम बोल के, देखो मैं बाहर कर दे रखे तो ऊपर टूल्स क्या नहीं दिख रहे टेबल। फिर स्मार्ट आर्ट पे क्लिक कर सकते अपने को टूल्स आ रहे, देखो डिज़ाइन एक आ गया, फॉर्मेट एक ऑप्शन आ गया। अब मैं क्या होना, मैं को इंग्लिश मीडियम के बाद उर्दू मीडियम में ऐड करना है तो क्या करूँ, डिज़ाइन में जाके ऐड शेप्स में जा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है, देखो आफ्टर, बिलो, एबो, ओके, बिफोर, ऐसे ऑप्शन है ना, उसमें जो ऑप्शन है देख लो। ऐड शेप आफ्टर पे क्लिक करते क्या रहा, इंग्लिश मीडियम के बाद में आ रहा, ईएम मीन्स इंग्लिश मीडियम लिख लिया मैं। बिफोर यानी कि इंग्लिश मीडियम से पहले आता, देखो। ओके, कंट्रोल ज़ेड बोल के मैं फिर से प्रेस करा मैं। एबो मतलब क्या था, इससे पहले, इंग्लिश मीडियम से पहले आता, देखो। फिर कंट्रोल ज़ेड प्रेस करूँ मैं। बिलो यानी क्या था, ये इंग्लिश मीडियम के अंदर ऑप्शंस के साथ आता, देखो। मैं फिर से कंट्रोल ज़ेड करा, ये बता रहा था। अब नेक्स्ट क्या कर मैं, आर्ट शेप आफ्टर ले लिया यानी कि इंग्लिश मीडियम के बाद, तेलुगु मीडियम, इंग्लिश मीडियम और एक क्या है मगन उर्दू मीडियम बोल के लिख ले रहा हूँ। SADC मीन्स श्री अरुणोदय डिग्री कॉलेज। नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम में क्या है, तेलुगु मीडियम में क्या है, मेरे को ऑप्शंस, सपोज BSCA, मैं डिग्री कॉलेज के बारे में लिख रहा हूँ मैं, कौन से कोर्सेस ऑफरिंग कर रहे, ऐसा इजी मेथड में बताने के कैसे क्या कर रहा मैं, एक फ्लो चार्ट में ले ले रहा मैं। नेक्स्ट क्या कर मैं, BCOM ले रहे सपोज इसके अंदर अभी एक ऑप्शन है हमको, ओके, BSC है, BCOM है, अभी दूसरा कोर्स है तो क्या कर रहा हूँ मैं, खोना तो सिंपल फ्री स्पीच कर्जा रख लेके आर्ट शेप में जाके क्या कर रहा हूँ, आफ्टर होना बिलो होना क्वेश्चन देख लो। जस्ट मिनट, इसको कट कर लेंगे। देखा इसमें अभी एक मैं ऐड कर रहा हूँ मैं, BZC बोल के ऐड कर दिया मैं। अब मैं क्या होना, सपोज इंग्लिश मीडियम की भी सेम वैसे ऑप्शन होना, क्या कर रहा हूँ फिर सेम क्या करूँ, आर्ट शेप्स में जाके बिफोर होना आफ्टर होना उसके हिसाब से ले लो। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बिलो ले लिया, देखो इसके अंदर इंग्लिश मीडियम में ऑप्शन कैसे ले लेता हूँ। पहले तो लिख ले रहा मैं BSCL के, ऐड शेप्स में जाकर क्या कर मैं, आफ्टर बोल के क्लिक करूँ, देखो BSC के अंदर आफ्टर। फिर क्या करूँ, फिर चुप करने वाले एक साथ ले ले रहा मैं आफ्टर करके, BSC है, नेक्स्ट BCOM है इंग्लिश मीडियम में, नेक्स्ट क्या है मेरे को BZC है तो BZC लिख लेते हैं। देखो सेम एज प्रोसेस उर्दू मीडियम को भी आप चाहे तो कर ले सकते। जस्ट मिनट, इसके साइज इंक्रीज कर ले रहा मैं। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, BSC में ऑप्शंस कैसा होना है तो इसलिए क्या कर रहा हूँ, उस पर क्लिक कर लें। तेलुगु मीडियम में BSC में ऑप्शंस होना है मेरे को तो इसलिए क्या कर रहा हूँ, उस पर क्लिक कर लेके
ऐड शेप्स में जाके क्या करूँ मैं यहाँ पर, ऐड शेप बिलो पे ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। ओके यहाँ पर सपोज लिख रहा हूँ मैं MPC, अभी ऑप्शन से ना तो क्या करूँ सेम फिर ऐड शेप्स में जाके यहाँ पर क्या करूँ आफ्टर पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। ओके ऐसा आपको जितने होना है उतने क्या करूँ ला ले रहा हूँ मैं शेप्स। यहाँ पर नेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं MPCS लिख रहा हूँ नेक्स्ट। यहाँ पर क्या करूँ MCCS बोल के लिख ले रहा हूँ। MPC मीन्स मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ्स फिजिक्स कंप्यूटर साइंस, मैथ्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट MSTCS लिख रहा हूँ सपोज। ओके BSc में ये लिख लिया हमें टॉपिक्स, ये कोर्सेस हम बोल रहे हो के। ओके नेक्स्ट सपोज मैं MPC में ऑप्शन होने तो क्या करूँ फिर सेम ऐड शेप्स में जाके बिलो ले रूँ। देखो जैसे कि MPC में कौन से सब्जेक्ट से सर का लिखने हैं इसलिए फिर से जाके क्या करूँ आफ्टर दर ले ले रहा। अभी अभी आपको जितने होना है उसके अंदर सब पॉइंट्स के साथ आप उतने ले लो ऐड कर लो। सपोज मैं इसमें क्या करूँ तेलुगु मीडियम में BSc में MPC में क्या है हम अगर तेलुगु है और संस्कृत यानी कि उर्दू हो सकता अरबी कौन सा भी सब्जेक्ट यानी। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं हम इंग्लिश बोल रहे हैं MPC यानी कि क्या था म्यास। ओके नेक्स्ट फिजिक्स जस्ट मिनट। अगर आप सपोज यहाँ पर लिखा ना मैं फिजिक्स नेक्स्ट क्या करूँ मैं केमिस्ट्री वगैरह लिख लिया सपोज जिसने इसको कट कर ले रहा मैं। सेम मैसेज में क्या होना अब MPCS में भी ऐसी ऑप्शन है तो क्या करूँ MPCS में क्लिक कर लेके हार्ड शेप बिलो कर रहा मैं। देखा उसमें ऑप्शन है सर का फिर अभी ऐड करना तो क्या करूँ ऐड शेप आफ्टर कर रूँ मैं। आपको ऐसे जितने होना है उतने आप शेप्स को ऐड कर लो। ओके सेम यहाँ पर जैसे लिखा था मैं इसमें MPC में कौन से सब्जेक्ट्स बोलते वैसे आप MPCS में भी ऐड कर ले सकते। जस्ट मिनट अब देखो सपोज क्या कर मैं प्रमोट कर सकते क्या हो रहा मेन पॉइंट में आ गया फिर डिमोट करते क्या हो रहा देखो फिर सब पॉइंट में बदल जा रहा। आप चाहे तो फिर से अरेंजमेंट भी कर ले सकते हैं। नेक्स्ट में क्या कर रहा हूँ इसको डिफरेंट डिफरेंट डिजाइंस करना है तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन कर लेके देखो यहाँ पर स्टाइल्स दिए देखो आपको चेंज कलर्स में जाके ऑप्शन चेंज कर ले सकते हैं आप या पर्टिकुलर सिलेक्शन कर लेके भी फॉर्मेट मेनू में जाके शेप फिल से आप कलर्स फिल कर ले सकते डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देना चाहे तो आप। ओके ये सब कब बताते हैं आपको टूल्स आप स्मार्ट आर्ट पे सिलेक्शन रहे तो स्मार्ट आर्ट में ऑप्शन आते देखो डिजाइन आता और एक फॉर्मेट ऑप्शन बोल के आता आपको ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ले लो आप। अब देखो नेक्स्ट क्या करूँ इसको भी कलर्स अप्लाई करने का ऐसे क्या करूँ कंट्रोल पकड़ लेके मल्टीपल सिलेक्शन कर ले रहा हूँ। नेक्स्ट फॉर्मेट में जाके शेप फिल से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दे ले रहा हूँ मैं। देखो आपको जो कलर पसंद आ रहा आप वो कलर को अप्लाई कर ले सकते हैं। ओके तेलुगु मीडियम के एक कलर दे रहा हूँ इंग्लिश मीडियम के एक उर्दू मीडियम के एक ऐसे डिफरेंट कलर दे ले रहा हूँ मैं। कंट्रोल पकड़ के मल्टीपल सिलेक्शन कर लिया नेक्स्ट फिर फॉर्मेट में जाके शेप फिल से डिफरेंट कलर्स डाल ले रहा हूँ। फिर अब मैं उर्दू मीडियम में भी ऐड होना है तो क्या करूँ सेम फिर से आर शेप में जाके आप ले लो बिलो शेप ले लिया मैं आर शेप बिलो ले लिया देखो हाय। फिर इसमें फिर अभी ऐड करना है तो क्या कर रहा हूँ आफ्टर को यूज़ कर रहा हूँ। देखो आपको ऐसे जितने होना है उतने ले लो उर्दू मीडियम में आपके ने जितने ऑफर से कोर्सेस वो टॉपिक के नाम लिख लो जहाँ। अब मैं कॉलेज के ऊपर एक्सप्लेनेशन करा आप चाहे तो दूसरे फॉर्मेट में भी कर ले सकते ओके कोई सभी लॉन्ग स्टोरी को ऐसा एक फ्लो चार्ट में आराम से बता ले सकते देखो क्या। फिर इसको भी कलर चेंज करना है तो
कलर्स भी चेंज कर सकते हो सेम पहले के प्रोसेस से। शेप फिल में जाके आप चाहे तो कलर से कर सकते हो या पिक्चर्स, यानी कि आपके सपोज पर्टिकुलर एक इमेज है कुछ तो भी, तो वो भी आप ऐड कर ले सकते हैं। सपोज लोगोस जैसे निकला ऐसा ना को तो फिर निकाल दे सकते हैं, शेप फिल में जाके चेंज कर ले सकते फिर से। जस्ट मिनट, इसका फॉन्ट का साइज बढ़ा के देखेंगे। होम में जा रहा हूँ मैं, फुल प्रॉब्लम आ रहा है ना इसलिए फिर पहले कैसे रख दे रहा मैं। सिंपल कारण से जाके ज़रा इसको एडजस्टमेंट कर ले रहा मैं। ओके ज़रा अभी ये कर लेंगे। देखो फिर इसमें डिजाइन्स में जाने का डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स दिया देखो शेप्स के के। आप चाहे तो स्टाइल्स फिर से अप्लाई कर ले सकते हैं। देखो आपको जो स्टाइल पसंद आ रहा आप वो स्टाइल ले ले सकते हैं। ओके ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स दिए। अगर आप चाहे तो ये इसका फॉर्मेट भी चेंज करना है तो चेंज कर ले सकते। देखो लेआउट से जस्ट क्लिक कर सकते ऑटोमेटिक उसका फिर से फॉर्मेट भी चेंज होता है। आपको जो फॉर्मेट में पसंद आया वो फॉर्मेट आप अप्लाई कर ले सकते। देखो SADC में मेरे को तेलुगु मीडियम, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम है, और तेलुगु मीडियम में सब ऑप्शन है। इंग्लिश मीडियम में जैसा जो जितना भी एक्सप्लेनेशन करना चाहे आप आराम से एक्सप्लेनेशन कर ले सकते। देखो दिख रहा सपोज फिर मेरे को ऐड करना है तो देखो क्या करूँ, आर शेप बिलो आफ्टर ऐसा इसके जैसा होना है उसके हिसाब से आप ले ले सकते। देखो फिर से इसको निकाल दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ फिर नॉर्मल कर लिया मैं। जैसे आपका डायग्राम बढ़ते रहता आपका टेक्स्ट छोटा होता रहता, क्योंकि बोलते हो आपका पेज में वो एडजस्ट होना बोलते नहीं आता ना, इसलिए साइज छोटा होता रहता। आपको जो जो स्टाइल में होना है जो फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है कर ले सकते। जस्ट मिनट, इसको कट कर ले रहा हूँ मैं। अब ये था हमारा टॉपिक स्मार्ट आर्ट को यूज़ करने का। अगर मूव करना चाहिए तो टेक्स्ट ड्रॉपिंग में आके थ्रो भी कर ले सकते हैं आप। ओके ज़रा एडजस्टमेंट, इसको एडजस्टमेंट कर ले रहा मैं। एक लॉन्ग स्टोरी को आप देखो ऐसा एक स्मार्ट आर्ट को यूज़ करके इजी प्रोसेस में एक्सप्लेनेशन कर ले सकते हैं। जैसे कि अपने को इंग्लिश में रहते थे ना, वंस अपॉन ए टाइम एक राजा रहता था उसके केसो सब इतने साम्राज्य थे उनके एक्सप्लेनेशन करने को ईजी होता। देखो अब मेरे कने पुरानी फाइल है उसको बता रहा हूँ। देखो इंट्रोडक्शन ऑफ PGDCA के एक टॉपिक है ना, मैं स्टार्टिंग में बोला था ना क्लासेस में डेमो टाइप में उसको कैसे ज़रा एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। सेम एज वर्क यूज़ करके मैं कर रहा था वर्क वो। मैं क्या है, मैं PGDCA में MS Office है, MS Office में वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट है। सपोज मैं PGDCA में अब एक ऑप्शन ऐड करना है तो क्या करूँ, सेम क्या करूँ PGDCA में क्लिक कर लिया, स्मार्ट आर्ट में जाके डिज़ाइन से आर्ट शेप्स में जाके क्या करूँ यहाँ पर आर्ट शेप बिलो करूँ। देखो सपोज यहाँ पर बेसिक कोर्सेस से बोलकर लिख रहा हूँ मैं। जस्ट मिनट, अब इसके भी साइज कैसे क्या कर रहा हूँ मैं, इंक्रीज कर ले रहा हूँ, सिलेक्शन कर ले रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट कर लेके क्या करना, होम मेनू में जाके फॉन्ट साइज इसको ज़रा बोल्ड कर ले रहा हूँ मैं। नेक्स्ट फॉन्ट साइज को ज़रा इंक्रीज कर ले रहा हूँ मैं। ओके फिर चाहे तो आप एडजस्टमेंट के लिए फिर से साइज को भी कम कर ले सकते, बढ़ा ले सकते। नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ मैं, फिर इसके अंदर ऑप्शन होने तो क्या कर रहा हूँ, फिर से आर्ट शेप्स में जा क्या कर रहा हूँ मैं, इसको अब यहाँ पर अभी होने बिलो होना है ना इसलिए क्या कर रहा हूँ आर्ट शेप बिलो कर रहा हूँ। देखो इसमें फिर अभी ऐड होना है तो क्या करो, आफ्टर पर क्लिक करो। आपको जितने होना है वैसे आप आर्ट शेप में जाके आर्ट शेप आफ्टर को कर लो। आपको जैसा होना है उसके हिसाब से आफ्टर बिलो एबो बिफोर ऐसे जितना होना है उतने कर ले सकते हैं एडजस्टमेंट आप। जस्ट मिनट, ये डायलॉग बॉक्स मैं क्लोज कर ले रहा हूँ मैं। नेक्स्ट इसकी तरह फॉन्ट साइज को कम कर ले रहा हूँ मैं बेसिक्स। ओके नेक्स्ट MS Office का भी ज़रूर कम कर लेंगे साइज। ओके कम कर लिया। नेक्स्ट क्या होना मेरे को इसमें टॉपिक्स लिख रूँ मैं, बेसिक्स कोर्सेस हम कौन से बोलते लिख रूँ मैं। सपोज क्या करूँ, टाइपिंग मास्टर बोल के लिख रूँ मैं, टाइपिंग मास्टर। नेक्स्ट नोट पैड
नेक्स्ट वर्ड पैड बोल के लिख रू मैं, ओके वर्ड पैड बोल के लिख दे रू मैं। अब नेक्स्ट क्या है मेरे को, नोट पैड के अंदर में ऑप्शन होना है मेरे को, तो इसलिए क्या कर रहा हूँ फिर से उस पर क्लिक कर ले रहा मैं। क्लिक कर लेके डिजाइंस में जाके आर्ट शेप्स में जाके बिलो ऑप्शन को क्लिक कर रहा, देखो फिर नेक्स्ट उसके अंदर अभी होना है तो क्या करूँ आर्ट शेप आफ्टर कर ले रहा हूँ, अभी जितने होना है उसके हिसाब से आप ले ले सकते। सपोज इसके अंदर थोड़े लिख रूँ मैं, न्यू बोल के लिख ले रहा मैं। सपोज इसका कलर चेंज करना है तो क्या कर लूँ, वो शेप पे क्लिक कर लेके फॉर्मेट में जाके शेप फिल से आप जो कलर जो है वो कलर आप फिल कर ले सकते। नेक्स्ट आर ओस के भी थिकनेस चेंज करेंगे, क्या करूँ इसलिए सिलेक्शन करूँ, नॉर्मल सिलेक्शन कर तो चल जाता है, इसलिए क्या करूँ मल्टीपल सिलेक्शन के लिए कंट्रोल पकड़ रूँ मैं, कि कंट्रोल पकड़ ले तो मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं आप। ओके कंट्रोल पकड़ लेके सिलेक्शन कर ले रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी लाइन्स है वो लाइन्स को सबको सिलेक्शन कर लेके फॉर्मेट में जाके शेप आउटलाइंस है ना, शेप आउटलाइंस है, जस्ट मिनट इसको कट कर ले मैं। शेप आउटलाइंस में जाके लाइन के वेट है ना उसमें जा रहे, देखो इसका थिकनेस आप बढ़ा लो, यानी कि उसका मोटापा आपको जितना चाहे उतना कर ले सकते हैं। नेक्स्ट मेरे को आरोज के लिए क्या करूँ, फिर से सेम फॉर्मेट में जाके शेप आउटलाइन से आरोज है ना आपको जो डायरेक्शन में होना है वो डायरेक्शन का आप आरोज ले लो। ओके अब नेक्स्ट क्या करूँ, सपोज इसके साइज़ को ज़रा इंक्रीज कर ले रूँ मैं एडजस्टमेंट के लिए। ओके ज़रा एडजस्ट करेंगे अभी ज़रा। ओके ओके अब ज़रा एडजस्ट कर सकते क्या हो, देखो ऑटोमेटिक क्या हो वो नेक्स्ट पेज में शिफ्ट होगा, मूव होगा, यानी दिखा फ्रेंड्स ये थी हमारी टॉपिक स्मार्ट आर्ट के बारे में। स्मार्ट आर्ट को यूज़ करके एक लॉन्ग स्टोरी को भी एक आराम से छोटे फ्लो चार्ट में बता ले सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अल्लाह हाफिज़। We'll be right back.